सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज पांचवें नवरात्रि के दिन हमें बनकटिया माँ चंडिका के मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आगे आप कथा देखिए। आकर के आए हो, नहीं तो अधिकतर दिन से पहले अवतार ही मांगते। ब्रह्मा जी कैंसिल करते तो दूसरा वर मांगते। सोम ऋषि ने विचार पूर्वक ब्रह्मा जी से दूसरा वर मांगा। ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है, आप अमरता नहीं देना चाहते तो ये वरदान दो ब्रह्मा जी कि संसार के देवता दैत्य मनुष्य यक्ष गंधर्व पशु पक्षी कुल मिलाकर के कोई भी पुरुष हमें कभी मार ना पाए। जैसा वरदान महिषासुर ने मांगा था ठीक वही, जो वरदान महिषासुर मांगता है वही वरदान सुम ने भी मांगा। कौन सा वरदान? तस्मान मे वरणम नूनम कामिन्या कुरुपद्मजा अबला हन्त माम हन्तुं कथं शक्ता भविष्यति। ब्रह्मा जी, आप तो यही वरदान दो कि हम दोनों की मृत्यु हो तो स्त्री के हाथ ही हो, पुरुष के हाथों हमारी मृत्यु ना हो, क्योंकि स्त्री तो कमजोर होती है। वही सारी बातें जो महिषासुर ने कही थी, वही बात, वही सोच है दैत्यों की, ऐसी सोच होती है। सुमन ने कहा, आप यही वरदान दीजिए कि हम स्त्री के हाथों ही मरे, पुरुष के हाथ हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का वरदान दे करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सुमन ने वरदान से शक्तियां प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने रेन माया बीज का जप किया था। माया बीज से शक्ति मिलती है, बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। हमने आपको पूर्व में भी बीज मंत्रों की महिमा बताई है। ऐं रेन क्लीन, तीन बीज मंत्र हैं भगवती जगदम्बिका के, और इन तीन बीज मंत्रों से युक्त जो महामंत्र है उसे कहते हैं नवान्न मंत्र। क्या मंत्र है? ओम ऐं रेन क्लीन चामुंडाए अच्छे, इसमें नौ वर्ण है, इसलिए नवान्न मंत्र कहते हैं, नवान्न मंत्र। तो ये ऐं रेन क्लीन, ये तीन बीज मंत्र है, और बीज मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। बीज का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, बीज अंकुरित होता है, फिर उससे पौधा होता है, और उससे फिर पेड़ होता है, उसका फल आता है। तो बीज मंत्र है, अरे फल पक्का मिलेगा, बीज है तो फल तो होगा ना एक ना एक दिन। इसलिए बीज मंत्र को अपने हृदय में, उस मंत्र को आपको मंत्र को हृदय में बीज की तरह होना चाहिए, इसलिए उसे कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र सुना शब्द होते हैं, बीज मंत्र के जब से बहुत शक्ति का संचार शरीर में होता है। माया बीज जब आता है, माया बीज, इसलिए परम शक्ति का अनुभव हुआ, बहुत शक्तिशाली हो गए दोनों में। बीज मंत्र का जप करो, मंत्रों पर विश्वास करो, मंत्रों से शक्ति मिलती है, मंत्र बड़े शक्तिशाली है। मंत्रों से तो देवताओं को भी वश में किया जा सकता है, लेकिन मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, और इन मंत्रों को जपने के लिए अधिकार की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? अधिकार की। जिस आदमी को जिस काम का अधिकार नहीं, वो व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता। मंत्र जपने के लिए आपको एक अधिकार चाहिए, और अधिकार कैसा है? बोले अधिकार होता है गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा। क्या? गुरु दीक्षा। गुरु के मुख से जब आप उस मंत्र का उपदेश, यहाँ कान में जब गुरु मंत्र फूकते, मंत्र देते, तब जाकर के आपको वो अधिकार मिल जाता है कि आप उस मंत्र का जप कर। ऐसे तो राम राम कृष्ण कृष्ण ये तो सब जप सकते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण शंकर भगवती ये जप तो कर सकते हो, लेकिन विशेष मंत्र जिनमें प्रणव लगाओ, प्रणव समझते हो ओंकार, ओम, जिनमें प्रणव लगा, ओम लगा, नमन लगा, स्वाहा लगा, फट लगा इत्यादि विशेष जिनमें लगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, इन सारे मंत्रों को जपने के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है। बिना गुरु मुख से दीक्षा लिए, दीक्षित हुए बिना इन मंत्रों का आप जाप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो मंत्र जप व्यर्थ तो नहीं होता, लेकिन इतना लाभदायी फलकारी नहीं होगा। श्रेष्ठ फल कब मिलेगा? जब गुरु मुख से आपने उस मंत्र का उपदेश प्राप्त कर लिया, गुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद आप उस मंत्र को जपोगे तो आपको मंत्र ज्यादा फल देगा, शीघ्र फलदायी होता है। इसलिए मंत्र जाप करने के लिए गुरु दीक्षा लेना तो अनिवार्य। शास्त्र कहते हैं जो ये अध्यात्म का मार्ग है ना, यहाँ से लेकर के वहां तक का मार्ग, अध्यात्म का जो मार्ग, इस मार्ग में एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता रहती है, एक मार्गदर्शक बहुत जरूरी है, और आध्यात्मिक मार्ग में जो हमारा मार्गदर्शन करता है उसी को कहते हैं सद्गुरु। क्या कहते हैं? सद्गुरु। जो आध्यात्मिक खाना पीना मौज करना जानते हैं, धर्म नहीं जानते, वहां यज्ञ नहीं होते,
यज्ञ अगर कहीं होते हैं, तपस्या अगर कहीं होती, संत महात्मा अगर कहीं रहते, तीर्थों का कहीं, अरे यही वो भारत वर्ष है जहाँ पर अवतार लेने के लिए भगवान भी लालयित रहते हैं, भगवान भी बड़े इच्छुक हैं यहाँ अवतार लेने के। राम का अवतार ही हुआ, कृष्ण का अवतार ही हुआ, यही वो भारत वर्ष की पावन भगवान। इसलिए हम सब भारतवासियों को देख करके स्वर्ग में बैठे देवता क्या कहते हैं पता है, वो सोचते हैं कि आखिर इसने भूल से ऐसा पुण्य कर लिया, अथवा इस पर कैसी कृपा हो गई जो धरती लोक में वो मनुष्य बन करके आया और उस पर भी सोने पर सुहागा भारत वर्ष में चले। अब सोचो भारत इतनी श्रेष्ठ भूमि, और भारत भूमि में आकर के भी जो कथा ना सुने, जो भक्ति ना करे, जो धर्म कर्म ना करे, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है, उससे बड़ा पापी कोई हो सकता है। इसलिए भारत में आप लोगों का जन्म हुआ है, तो भारतवासी होने के नाते आपका ये दायित्व है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके धर्म कर्म करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, आदर्श दिखाओ, मर्यादा का पालन कीजिए। सुमन ईश्वर में तपस्या करने के लिए आए पुष्कर तीर्थ में जाकर के, कौन से तीर्थ में, राजस्थान का पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ में जाकर के उन्होंने तपस्या करी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान चाहते थे। किससे वरदान मांगना चाहा? ब्रह्मा जी से। और शास्त्र कहते हैं जितने दैत्य हुए हैं उनमें से 90% दैत्यों के इष्ट देवता ब्रह्मा जी ही है। कौन है? ब्रह्मा जी। 90% दैत्यों ने ब्रह्मा जी की ही भक्ति करी, ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके ही तपस्या करी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी वो तो सबके पिता है, सृष्टि की रचना करते हैं, देवता दैत्य सब उनके लिए बराबर है, देवता दैत्य मनुष्य कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबको बनाने वाले ब्रह्मा जी, और पिता का तो बच्चों के प्रति प्रेम रहता है कि नहीं, ब्रह्मा जी तो सबके पिता है, सबको बनाते हैं। इसलिए दैत्य लोग तपस्या करके जो भी वरदान मांगते हैं ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के हर वरदान दे देते हैं, कोई विचार नहीं करते। हर कथा में आपने सुना होगा ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे वरदान दे दिए दैत्यों को कि दैत्यों ने देवताओं की नाक में दम कर दिया, हालत खराब कर दी। परिणाम कैसे हुआ ऐसा? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। या तो दैत्य लोग ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं अथवा भोलेनाथ की। किसकी? भगवान शंकर की। क्योंकि भोलेनाथ भी बड़े भोले हैं, वो तो ओंगड़ वरदानी है, जो जिसने मांग लिया भगवान शंकर बिना विचार की। दैत्य लोग अधिकतर ब्रह्मा और शंकर की ही उपासना करते हैं, भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते। कारण क्या है? भगवान विष्णु है पालन करता, यानी सृष्टि को चलाना, व्यवस्था बनाना उनका काम है। अब दैत्य लोग ऐसे वरदान मांगते हैं जिससे सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाती है, और भगवान विष्णु ऐसे वरदान नहीं देते, वरदान नहीं देते, इसलिए दैत्य लोग उनकी भक्ति भी नहीं करते। दैत्य लोग तो ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके तपस्या करते हैं। इसलिए दोनों भाइयों ने बल करके 1,00,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके पुष्कर तीर्थ में कठोर तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धो कश्यप वरदोऽहम् अनुप्राप्तो प्रियताम् ईप्सितो वरः। उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, बताओ क्या वरदान चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, बताओ क्या वरदान चाहिए, बोलो बोलो। सोमन सोम जाकर तपस्या से प्रणाम किया, ब्रह्मा जी से अवध्यता का अमरता का वरदान मांगा। आपका चिंतन आप सदैव करते रहे, तो ये जो आप, ये तो बात हुई उन लोगों की जो संसार के माया जाल में फंसे रहते हैं, जो हमेशा गृहस्थी के कामों में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जो लोग तो माँ की भक्ति किया करते हैं, जिन्होंने तो माँ के चरण पकड़ ली, उनको फिर कोई टेंशन करनी नहीं पड़ती, उनको कोई चिंता नहीं रहती, फिर उन्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। जो भी विकार है, जो भी दोष है, माँ अपने आप छुड़वा देती। माँ तो भाग्य बदल देती है, भाग्य विधाता है ना शीरा वाली, वो जगदम्बिका भाग्य विधाता है जगदम्बिका। इसलिए आइए हम सभी मिलकर बड़े प्रेम से माता रानी से एक सुंदर विनती करें, सभी मिलकर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ हम आपके शरण में आए, आपके दरबार में आए, हमारा भाग्य जगा दो। कौन कौन चाहता भाग्य जागे जाए, भाग्य सुंदर हो जाए, तो माँ से मिलकर प्रार्थना करें। चंडिका मैया Oh,
Oh, my God.